हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एंट्री की स्टडी में। आज मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से कराऊंगी। आज डे टू है। डे फर्स्ट में मैंने 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। चलिए देखते हैं आगे। उसी तरीके से जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, ठीक उसी तरीके से मैं इसमें भी इन 1 वर्ड को पूरे को याद करना सिखाऊंगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपको ये 1 वर्ड जितने भी मैंने इसमें लिए हैं वो आपको पूरे पक्के याद हो जाएंगे, और आपको दोबारा इन 1 वर्ड को कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डायनेस्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार। जैसे कि राजा, राजा का बेटा भी राजा बनता है, और फिर राजा के बेटे का बेटा भी राजा बनता है, तो उसको उसको क्या बोलते हैं हम? डायनेस्टी, वंश, वंश चल रहा है। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार। आगे देखते हैं। आगे है टू कट समथिंग इन टू टू पीसेस, किसी चीज को दो टुकड़ों में काटना, काट कर किसी चीज को दो टुकड़ों में काट कर अलग कर देना, तो उसे हम बोलते हैं सेवर। क्या बोलते हैं? सेवर। आगे देखते हैं। आगे है फ्लैट मेटल और पोर्जिलन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए, एक प्लेट धातु की या चीनी मिट्टी के बर्तन की या फिर कोई एक आभूषण, उसे हम किसी भी वॉल पर फिक्स कर दें, किस रूप में? सजाने के पर्पज से किसी भी वॉल पर, किसी दीवार पर फिक्स कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम प्लेट, धातु का सजा हुआ कोई भी टुकड़ा। आगे देखते हैं। आगे है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने की जो क्रिया होती है, जो काम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रॉड बोलते हैं। धोखा, छल, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो उसे बोलते हैं हम फ्रॉड। अब चलते हैं आगे। आगे है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू स्पेक्टेटर्स, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि कोई भी नाटक, निबंध, तो उसके समापन में जब वह लास्ट होता है तो उसको संबोधन करने के लिए, संबोधित करने के लिए एक छोटी सी कविता या फिर भाषण, जो भाषण और कविता दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एपिलोग। उसे क्या बोलते हैं? एपिलोग। एपिलोग का अर्थ होता है उपसंहार। आपको पता होगा कि जब हम 4th या 5th क्लास में जब कोई भी निबंध लिखते हैं तो उपसंहार जरूर लिखते हैं, तो उपसंहार में पूरे निबंध का जो भी सार होता है उपसंहार में हम लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एपिलोग। चलते हैं आगे। आगे है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, एक ऐसा साउंड, एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, ना सुनाई देने वाली ध्वनि, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इन ऑडिबल। क्या बोलते हैं? इन ऑडिबल। आगे देखते हैं। आगे है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, सही होने में असमर्थ, या फिर जिसे सुधारा ना जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। चलते हैं आगे। आगे है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, एक जो वह जो सभी गलतियों, मिस्टेक्स और फेलियर से मुक्त हो, वह जो सभी मिस्टेक्स और जो फेलियर्स हैं उन सब से मुक्त हो, तो उसे बोलते हैं हम इनफेलिबल। क्या बोलते हैं? इनफेलिबल। आगे देखते हैं। आगे है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड,
सुधार किए जाने में असमर्थ, जिसे सुधारा ना जा सके, जो सुधार के योग्य ना हो, उसे बोलते हैं हम इरेपेरेबल। क्या बोलते हैं? इरेपेरेबल। आगे देखते हैं, आगे है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं हम इंटेलिजिबल। क्या बोलते हैं? इंटेलिजिबल। अब चलते हैं आगे, आगे हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसे आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि आपको ये रिपीट कर करके मैं आपको याद करना सिखाऊंगी। तो यदि आप इसको ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, पहला है अ शॉर्ट पोएम ऑन स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक छोटी सी पोएम या भाषण जो किसी भी नाटक के समापन के बाद उसे संबोधित करने के लिए दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उपसंहार बोलते हैं, एपिलोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। तो पहले पर है डायनेस्टी, तो डायनेस्टी मैंने बताया था वंश, तो इसका जो इसे कैसे इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार, तो उसे हम डायनेस्टी बोलते हैं। सेवर किसे बोलते हैं? सेवर बोलते हैं टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, किसी चीज को दो टुकड़ों में बांटना, तो उसे बोलते हैं हम सेवर। आगे देखते हैं, आगे है फ्रॉड। फ्रॉड किसे बोलते हैं? फ्रॉड उसे बोलते हैं जो किसी भी पैसे को कमाने के लिए किसी को धोखा देने का जो काम करता है उसे हम फ्रॉड बोलते हैं। तो इसका मीन्स हो गया एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। अब चलते हैं आगे, आगे है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो इसका मीन्स हो गया पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने की क्रिया, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने की क्रिया। तो इसका मीन, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रॉड, छल। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे रखा है प्लेग, तो प्लेग का मीन्स क्या होता है? प्लेग का मीन्स होता है धातु का सजा हुआ टुकड़ा। तो देखिए, फ्लैट मेटल और पोर्सिलन प्लेट फिक्स ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसे हम बोलते हैं प्लेग। आगे है एपिलोग, तो एपिलोग किसे बोलते हैं? एक शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, तो उसे बोलते हैं हम एपिलोग। आगे है डायनेस्टी, तो डायनेस्टी किसे कहते हैं? डायनेस्टी सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार, तो उसे हम बोलते हैं डायनेस्टी। अब चलते हैं आगे, आगे है फ्लैट मेटल और पोर्सिलन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो ये किसे बोलते हैं? धातु का सजा हुआ टुकड़ा, तो ये बोलते हैं प्लेग को। ओके, अब देखते हैं, पहले ऑप्शन पर है एपिलोग, तो एपिलोग किसे बोलते हैं? अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, नाटक एपिलोग बोलते हैं जो नाटक के समापन के बाद दर्शकों को संबोधित करने के लिए एक छोटी कविता या भाषण दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम एपिलोग। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बी ऑप्शन पर है फ्रॉड, तो फ्रॉड किसे बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं जो पैसा कमाने की, किसी को धोखा देकर पैसा कमाने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं हम फ्रॉड। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। अब सेवर, सेवर किसे बोलते हैं? सेवर बोलते हैं टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, काट कर किसी चीज को अलग करना, दो टुकड़ों में काटना, तो उसे बोलते हैं हम सेवर। अब चलते हैं आगे, आगे है टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, किसी चीज को काट कर अलग करना, दो भागों में करना, तो उसे क्या बोलते हैं? किसी चीज को दो टुकड़ों में काटना, उसे बोलते हैं हम सेवर। क्या बोलते हैं? सेवर। तो इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं आगे, बी ऑप्शन पर क्या है? बी ऑप्शन पर है प्लेग, तो प्लेग किसे बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं फ्लैट मेटल और पोर्सिलन प्लेट फिक्स ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो उसे हम बोलते हैं प्लेग। किसी भी चीज को वॉल पर लगाना, आभूषण को लगाना याद के लिए, उसे ही हम बोलते हैं धातु का सजा हुआ जो टुकड़ा होता है उसे बोलते हैं हम प्लेग। आगे है फ्रॉड, तो फ्रॉड का मीन्स होता है
फ्रॉड का मींस क्या होता है? फ्रॉड फ्रॉड का मींस होता है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने की क्रिया को बोलते हैं फ्रॉड। लास्ट है, लास्ट ऑप्शन पर है एपिलोग। तो एपिलोग किसे बोलते हैं? अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है नाटक के समापन के बाद दर्शकों को संबोधित करने के लिए दिया गया भाषण या एक छोटी कविता, तो उसे बोलते हैं हम एपिलोग। चलते हैं आगे। आगे है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो इसका मीन्स है एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार। एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार, तो उसे बोलते हैं हम डायनेस्टी, वंशज, वंश। इसका आंसर सी हो गया। पहले ऑप्शन पर है फ्रॉड। तो फ्रॉड किसे बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने की क्रिया को बोलते हैं हम फ्रॉड। आगे है प्लेग। तो प्लेग किसे बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं फ्लैट मेटल और पोर्सिलन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट, उसे बोलते हैं प्लेग। धातु का सजा हुआ टुकड़ा को बोलते हैं हम प्लेग। आगे है सेवर। तो सेवर किसे बोलते हैं? किसी चीज के दो टुकड़े करना, दो टुकड़ों में काटना, उसे क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस। अब चलते हैं आगे। आगे है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर। एक ऐसा साउंड जो सुनने योग्य नहीं है, जिसे सुना नहीं जा सकता, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी, इन ऑडिबल, ना सुनने ना सुनाई पड़ने वाला, तो उसे बोलते हैं हम इन ऑडिबल, एक ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता। अब पहले ऑप्शन पर दे रखा है इंटेलिजिबल। तो इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब है बी ऑप्शन पर इरेपेरेबल। तो इरेपेरेबल का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, मतलब जिसका सुधार नहीं किया सकता, जो सुधार के योग्य ना हो, उसे बोलते हैं इरेपेरेबल। आगे है इनफेलेबल। इनफेलेबल इनफेलेबल का मीन्स होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, तो उसे बोलते हैं इनफेलेबल। वह जो सभी गलतियों और असफलताओं से मुक्त हो, तो उसे हम इनफेलेबल बोलते हैं। चलते हैं आगे। आगे है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो इसका मीन्स हुआ सही होने में असमर्थ, जिसे सुधारा ना जा सके। सही होने में असमर्थ और जिसे सुधारा ना जा सके, तो उसे बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। तो इसका आंसर हो गया इनकॉरिजिबल, असुधार्य। इसका आंसर हो गया इनकॉरिजिबल, असुधार्य। अब पहले ऑप्शन पर है इनऑडिबल। तो इनऑडिबल का मीन्स क्या होता है? इनऑडिबल का मीन्स होता है, अभी मैंने याद कराया था, एक ध्वनि जिसे सुनाया नहीं जा सकता, ना सुनाई पड़ने वाला, तो उसे बोलते हैं हम इनऑडिबल। सेकंड इसका आंसर हो गया। थर्ड पर है इसमें इरेपेरेबल। तो इरेपेरेबल किसे बोलते हैं? इरेपेरेबल बोलते हैं जो सुधार के योग्य ना हो, उसे बोलते हैं इरेपेरेबल। तो देखिए इसको वो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, उसे बोलते हैं हम इरेपेरेबल। आगे है इनफेलिबल। तो इनफेलिबल किसे बोलते हैं? इनफेलिबल बोलते हैं वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, उसे बोलते हैं इनफेलिबल। आगे देखते हैं। आगे है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, तो उसे बोलते हैं हम इनफेलिबल। अभी बताया था अभी अभी, तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ वह जो सभी गलतियों और असफलताओं से मुक्त हो, तो उसे बोलते हैं हम इनफेलिबल। इनफेलिबल का मीन्स होता है अविवेकी या अचूक, उसे बोलते हैं हम इनफेलिबल। अब पहले ऑप्शन पर क्या है? पहले ऑप्शन पर है इरेपेरेबल। तो इरेपेरेबल किसे बोलते हैं? इरेपेरेबल उसे बोलते हैं जो सुधार के योग्य ना हो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल किसे बोलते हैं? जिसे समझा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सी इसका आंसर हो गया। और डी पर है इनऑडिबल। तो इनऑडिबल किसे बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, ना सुनाई पड़ने वाला साउंड, तो उसे बोलते हैं हम इनऑडिबल। अब चलते हैं आगे।
आगे है इनकैपेबल ऑफ बींग रिपेयर्ड, इनकैपेबल ऑफ बींग रिपेयर्ड, तो इसका मीन्स हो गया जो सुधार के योग्य ना हो उसे बोलते हैं इरेपेरेबल। इतनी देर से मैं याद करा रही हूँ तो ये आपको याद हो गया होगा। और पहले ऑप्शन पर है इंटेलिजिबल, तो इंटेलिजिबल किसे बोलते हैं, जिसे समझा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो उसे बोलते हैं इंटेलिजिबल। आगे है बी ऑप्शन पर इनकॉरिजिबल, तो इनकॉरिजिबल किसे बोलते हैं, इनकॉरिजिबल बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसका सुधार ना हो सके, जिसका सुधार ना हो सके, असुधार्य है, सही होने में असमर्थ है, तो उसे ही हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। अब आगे देखते हैं, आगे है इनऑडिबल, इरिपेरेबल इसका आंसर हो गया, और इनऑडिबल का मीन्स होता है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, ना सुनाई पड़ने वाला, तो उसे बोलते हैं हम इनऑडिबल। अब चलते हैं आगे, आगे है 10th पर दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, तो उसे बोलते हैं हम इंटेलिजिबल। क्या बोलते हैं, इंटेलिजिबल। पहले ऑप्शन पर है इसमें इनकॉरिजिबल, क्या है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मीन्स होता है सही होने में असमर्थ, जिसे सुधारा नहीं, सुधार ना हो सके, जिसमें सुधार ना हो सके, तो उसे बोलते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। आगे है इनफेलेबल, तो इनफेलेबल का मीन्स होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, वह जो सभी गलतियों फेलियर्स से मुक्त हो, उसे बोलते हैं इनफेलेबल। आगे सी ऑप्शन पर है इरेपेरेबल, तो इरेपेरेबल किसे बोलते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जो सुधार के योग्य ना हो उसे बोलते हैं इरेपेरेबल। तो ये 10 के 10 मैंने आपको याद करना सिखाया है। आगे देखते हैं, आगे है इसके मिलान, तो पहले ये छोटे वाले जो मिलान है इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं कराती हूँ आपको। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन ऑडिबल, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसका सुधार ना हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। आगे है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, जो सभी मिस्टेक्स और फेलियर से मुक्त हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनफेलिबल। आगे है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जो सुधार के योग्य ना हो, तो उसे बोलते हैं इरेपेरेबल, इरेपेरेबल। आगे है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इंटेलिजिबल। तो इस प्रकार से मैंने आपको उसे याद कराया। आगे चलते हैं, आगे ये 5 दे रखे हैं वन वर्ड, और आगे 5 और हैं, तो उसको भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, अब मैं कराती हूँ। चलिए देखिए, पहला है अ शॉर्ट पोएम फॉर स्पीच अंडरस्टैंड टू द स्पेक्टेटर्स, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि नाटक के समाप्ति के दौरान जो दर्शकों को दिया जाने वाला एक छोटी कविता होती है या भाषण होता है, तो उसे बोलते हैं इसे, तो इसका इसका आंसर हो गया एपिलग, तो इसका आंसर हो गया एपिलग। आगे है एक्ट ऑफ रिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो इसे इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, तो इसका आंसर हो गया फ्रॉड। आगे है फ्लैट मेटल और पोर्सिलन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो इसे इसका आंसर हो गया प्लेग, इसका मीन हुआ धातु का सजा हुआ टुकड़ा, एक प्लेट धातु की या चीनी मिट्टी के बर्तन की प्लेट एक आभूषण या स्मारक के रूप में एक दीवार पर फिक्स की गई है, तो उसे बोलते हैं हम प्लेग। आगे देखते हैं, आगे है टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, किसी भी चीज को दो टुकड़ों में काटना, तो उसे बोलते हैं हम सेवर, क्या बोलते हैं, सेवर, काट कर अलग कर देना, तो उसे सेवर बोलते हैं। अब है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो इसका आंसर हो गया डायनेस्टी, इसका मीन्स होता है एक परिवार से संबंधित शासकों का अधिकार, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सेकंड वाला भी आपको याद करना सिखा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट,
यदि आपने पहली वीडियो डे फर्स्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप इन ऑप्शनों को आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मैंने रिवीजन के लिए आपको ये लिया है। देखिए पहला है अ प्लेस दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसका आंसर हो गया इनएक्सेसिबल। क्या हो गया इसका आंसर? इनएक्सेसिबल। पहले ऑप्शन पर है पोर्टेबल। पोर्टेबल किसे बोलते हैं? जो आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता है। इनफ्लेमेबल किसे बोलते हैं? जो आसानी से आग को पकड़ता है, दैट विच कैचेज फायर इजिली। अब लास्ट ऑप्शन पर क्या है? इनएविटेबल। इनएविटेबल किसे बोलते हैं? जिसे टाला नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप इनको जरूर हल कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड। सेकेंड है इनकैपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस्ड। इनकैपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस्ड, तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ है, जो किसी कोई भी प्रैक्टिस करने में असमर्थ है, तो उसे बोलते हैं हम इनकैपेबल ऑफ बींग प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास करने में असमर्थ, तो इसका आंसर हो गया इम्प्रैक्टिकेबल। क्या होगा? इम्प्रैक्टिकेबल। पहले ऑप्शन पर है इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल किसे कहते हैं? इनएक्सेसिबल बोलते हैं पहुंच के बाहर, पहुंच के बाहर चीजों को बोलते हैं इनएक्सेसिबल। एक जगह जो आसानी संपर्क में नहीं किया जा सकता। इनएविटेबल किसे बोलते हैं? जो चीज करनी अनिवार्य है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। और इनफ्लेमेबल किसे बोलते हैं? दैट विच कैचेज फायर इजिली। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया इम्प्रैक्टिसेबल। आगे देखते हैं, आगे है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसका आंसर हो गया इनएविटेबल। इसका आंसर हो गया इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, अर्थात वह करना अनिवार्य है। पोर्टेबल हो गया ले जाने योग्य, जो आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता है। इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल मतलब हो गया अभ्यास करने में जो असमर्थ है। इनकैपेबल और बीम प्रैक्टिस असंभव है, उसे बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। डी ऑप्शन पर है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल किसे बोलते हैं? एक जगह जो आसानी से संपर्क में नहीं जा सकता, पहुंच के बाहर है, अ प्लेस दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच, उसे बोलते हैं हम इनएक्सेसिबल। आगे देखते हैं लास्ट ऑप्शन है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। इसका है दैट विच कैचेज फायर इजिली, जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, उसे बोलते हैं इनफ्लेमेबल। क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल। पोर्टेबल किसे बोलते हैं? दैट विच कैन इजिली बी कैरिड इन हैंड, ले जाने योग्य, जो आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता है। इनएविटेबल मतलब होता है अनिवार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 10 वन वर्ड हैं उनको याद करना सिखाया है, और जो डे फर्स्ट में वन वर्ड कराए थे उसका भी रिवीजन करना सिखाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।